कोई खास चीज, आई मीन कोई नहीं। जरा सब्र करो यार, लड़कियों को रेडी होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। वाह, वो लड़की एकदम मस्त है क्या? वाह, तेरा सिलेक्शन तो मस्त है। जरा बुला तो ले उसे। हेलो मिस। ए बेबी, जरा इधर तो आइए, आपको करीब से देखें तो सही। डरो मत, डरना मना है। आपका शुभ नाम? चमेली। वाह चमेली, वैसे तो चमेली नाम बहुत खूबसूरत है। नाम के साथ साथ बदन से भी खुशबू आ रही है। देखो चमेली, जो लड़की इस कॉलेज में पहली बार कदम रखती है वो हमारे बॉस को कुछ न कुछ दिए बगैर नहीं जाती। हमारे इस बॉस को खुशबू से भी बढ़कर कुछ और चाहिए। अरे नहीं 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 चमेली नहीं, हमारे बॉस को पैसा नहीं चाहिए, पैसे तो उसके डैडी खूब कमाते हैं। अरे देवा, जरा इस नासमझ को समझाओ कि बॉस को क्या चाहिए। ओके ओके समझा दूंगा। देखो चमेली, हमारे बॉस को तुम्हारे इन गुलाबी होठों से एक किस चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं, होठों पर मत देना, लेफ्ट हैंड पर दे देना बस। आगे बढ़ो चमेली, आगे बढ़ो, आगे, आगे बढ़ो चमेली। आगे बढ़ोगी आयुष्मान भव। अरे यार, कब तक हाथ पैर पर किस लेता रहूंगा? किस मिले तो यहां, तभी तो मजा है। अरे यार नो प्रॉब्लम, तो वो इरादा भी पूरा हो जाएगा। ए चार्लीज एंजल्स जरा रुकिए। वैसे तो हमें बैड बॉयज कहते हैं, ये हमारे बॉस हैं, ये आपसे कुछ चाहते हैं। क्या चाहिए? तुम्हारा नाम क्या है? प्रियंका। आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, हमारे बॉस को आपसे किस चाहिए। What? इसके बाद इनसे आशीर्वाद लेके आप पढ़ाई शुरू कर सकती हैं। This is too much. ये ऐसा नहीं करेगी। ऐसा मत कहो जानेमन, बॉस नाराज हो जाएगा। अगर बॉस नाराज हो गया तो बहुत बुरा होगा। रबिश, लेट्स गो। अगर तुम देना नहीं चाहती तो मैं खुद ले लेता हूँ। अरे रुक। बचाओ कोई, बचाओ। हिरनियों के पीछे शेरों का भागना अच्छा लगता है, कुत्तों का नहीं। लो हीरो आ गया। हाँ हीरो ही तो हूं। What's going on here? Nothing. Get your glasses. Come on. Come on. निकलने का इरादा है कि नहीं? आ रही हूँ ना मम्मी। क्यों चिल्ला रही हो, बात क्या है?
अरे किसी काव्या का फोन है। ओह कह दो उसे बाद में फोन करे। अच्छा ठीक है मैं बोलती हूँ, बाद में फोन कर लीजिएगा। अच्छा हर रोज तो इसी तरह से देर से आता है, कहाँ था अब तक? कुछ नहीं डैड, दोस्त के घर गया था। अच्छा अब तूने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया? तू क्या समझता है तूने कॉलेज में जो मारपीट की वो मैं नहीं जानता? ठाकुर रामनाथ को हर खबर का पता होता है। ठीक है ये बता मारपीट क्यों की? हमारे कॉलेज में कुछ बैड बॉयज गंदी हरकतों से न्यू कमर गर्ल्स को छेड़ रहे थे। और आप हीरो बन के लड़कियों को बचाने के लिए कूद पड़े? हम तुम्हें कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेजते हैं, लड़ने के लिए नहीं। मैं जानता हूँ डैड, लेकिन लड़कियों को गंदी हरकतों से छेड़ना भी तो बुरी बात है। कॉलेज में जो भी गड़बड़ होता है उसे प्रिंसिपल संभाल लेगा, नहीं तो पुलिस को बुला लेंगे। जनता को बचाने वाला तू कौन होता है? ओफो क्यों डांट रहा है, जवान लड़का है, कभी कभार देर से आ गया तो क्या आफत हो गई? अभी बेटा तू चल बेटा। हेलो आम प्रियंका, कल आपने मुझे उन लड़कों से बचाया लेकिन मैं आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाई। एक्चुअली मैं बहुत घबराई हुई थी। इट्स ओके, इस पे थैंक्स करने की क्या जरूरत है, हालात ही कुछ ऐसे थे। मेरी जगह कोई और होता तो शायद यही करता। नहीं हर कोई आपकी तरह नहीं होता, आपकी हिम्मत के साथ साथ आपका दिल भी बहुत बड़ा है। थैंक यू। आपने जो कहा वो 100% सही है, इसका दिल तो हाथी के दिल से भी बड़ा है। समझो कि एक फुटबॉल कोर्ट है, 24 कैरेट का प्योर गोल्ड है इसका दिल। आपका नाम शिव है ना? आपको कैसे पता चला? नोटिस बोर्ड पर देखा था। हाँ हाँ हो सकता है, जरूर देखा होगा क्योंकि नोटिस बोर्ड पर तो दिलदारों के ही नाम दिखाई देते हैं। ये तो अपनी अपनी तकदीर की बात है ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, पुलिस स्टेशन के बोर्ड पर जब तुम्हारा नाम दिखाई देगा ये भी तो तकदीर की बात होगी। अच्छा अब मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, आप लोग दिल खोल कर बातें कीजिए। चलो चार्मी चलो काव्या चल 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 कमान कमान चल 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 अच्छा 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 कम डाली कम कम। Today, we will study about the famous English poet John Keats and his famous poem, To Autumn. He is the last but the most perfect of the romantic poets. He was a disciplined devotee of beauty and love. Shiv! Shiv, what are you doing? Sir, Shiv to John Keats ki bhi hadein paar kar chuka hai. और ब्यूटी का डिवोटी बन गया है। अच्छा पहले तुम वो मुर्गी का हेयर स्टाइल हटाकर ब्यूटीफुल बनो, बाद में ब्यूटी के बारे में सोचो। मत टोको किसी की आशिकी को, टोकने से पहले सोचिए खुद भी तो थे कभी आशिक। सर साइलेंस साइलेंस बोलना तो आसान है लेकिन ज्यादा साइलेंस से वायलेंस हो जाता है। शट अप, ये कोई शायरी की महफिल नहीं है, क्लासरूम है। क्लासरूम तो क्लासरूम है सर, ये बात और है कि इस वक्त यहाँ शायरी की धूम है। पहले तुम और तुम्हारे साथी यहाँ से निकल जाओ, गेट आउट ऑफ द क्लास। ए मुर्गी ये थूम, गेट आउट। थैंक यू। साइलेंस।
पाले आजा भंगड़ा पाले आ पाले आ पाले आ पाले रे आजा भंगड़ा पाले अब पाले अब पाले अब पाले रे
हाय। हाय। लगता है शॉपिंग करने आई हो। नहीं, यही बस विंडो शॉपिंग के लिए। और तुम? सेम टू यू, यूं ही। चलो एक कप कॉफी हो जाए। थैंक्स, मुझे कॉफी नहीं चाहिए। क्यों, कॉफी भी ना बनाए क्या? तो चलो आइसक्रीम हो जाए। ऐसी बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं कॉफी पी लूंगा और तुम मुझे कंपनी दे देना। ठीक है, तभी दोनों ही कॉफी पीते हैं। वेलकम। टू कप ऑफ कॉफी। और क्या हो रहा है अभी? कॉलेज में जो कुछ भी हुआ वो मैं आज भी नहीं भूल सकती। इसके लिए तुम्हें जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। गुजरी हुई बातों को याद करके शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है, कुछ और कहो ना। मेरा मतलब अपनी फैमिली के बारे में कुछ कहो ना। वैसे डैडी सिविल इंजीनियर है और मैं उनकी इकलौती बेटी। सेम एज यू, मैं इकलौता बेटा हूँ, डैड बिजनेसमैन है, दादी माँ और माँ साथ में रहते हैं। वैसे हम यहाँ के नहीं है लेकिन यहाँ के सेटल हुए हैं। अच्छा, मुझे तो अब यहाँ अच्छा लगता है। और तुम्हें? अब थैंक यू। ओह माय गॉड, ये कहाँ से आ गया? कौन? अरे वो मेरा कजिन थोड़ा। माय गॉड। कौन था वो लड़का? कौन? वही जिसके साथ तू कॉफी पी रही थी। अच्छा, तो उस बेवकूफ ने न्यूज यहाँ तक पहुँचा दी। मॉम, वो मेरा क्लासमेट था, और क्लासमेट के साथ कॉफी पीना गुनाह है क्या? नहीं, गुनाह नहीं। पर लड़कों के साथ क्या हुआ? मॉम, तुम 25 सेंचुरी की औरत हो, 16 सेंचुरी जैसी बातें क्यों करती हो? कम ऑन मॉम, जस्ट चिल। ज्यादा सोचती हूँ तभी तो डरती हूँ। हाँ, सच कह रही हूँ। अरे मैंने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी तब। आ गए वो लोग। तुम एक बार क्या मेरे हाथों से बच गई? तुम समझती हो तुम झांसी की रानी हो, और तुम्हारा वो यार, उसे तो मैं कॉलेज के बाहर देख लूंगा, और तुम्हें मैं यहाँ देखूंगा। इनकार मत करो प्रियंका, साईं जो चाहता है वो चुपचाप देकर चली जाओ। किसी का दिल दुखाना अच्छा नहीं लगता प्रियंका। साईं की ख्वाहिश को पूरा करो, ईश्वर आपका भला करेगा। रास्ता छोड़ो, हमें जाना है। जाने जिगर, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। हमसे पंगा लेकर कोई बचता नहीं है। अभिषेक, अभिषेक, वो बैड बॉयस प्रिया को छेड़ रहे हैं। कहाँ पर? वहाँ पर। चलो चलो चलो, हट जाओ वरना कंप्लेंट कर दूंगी। कंप्लेंट देने से हमारा कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम्हारी बदनामी होगी, सोच लो। प्रिया, क्या हुआ? ये जबरदस्ती प्रिया से किस मांग रहा है? तू चाहता क्या? तुझे अगर कोई मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम हो तो जाके डॉक्टर से चेकअप करवा लेना, पैसे मैं दे दूंगा। मुझसे पंगा बहुत महंगा पड़ेगा, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तू एक नेता का बेटा है, कल को शायद तू भी एक नेता बन सकता है। लेकिन तू शायद ये नहीं जानता कि अगर एक बार जनता का इरादा बदल जाए तो अच्छे अच्छे नेताओं की कुर्सियां पलट जाया करती हैं। इस लड़की के लिए तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? बहन लगती है तेरी, दोस्त है, बॉडीगार्ड है तू इसका, है कौन ये तेरी? लवर है? टेल मी हु इज शी, टेल मी, बोल कौन है ये? यस, शी इज माय लवर। Yes, she is my lover. Yes, she is my lover.
यार तूने सबके सामने तो प्रिया को अपना लवर बता दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तूने सीरियसली कहा या मजाक में। लेकिन प्रिया पर तो बड़ा असर पड़ा होगा, क्या तू सचमुच प्रिया को चाहता है? खूबसूरत लड़की को हर लड़का चाहेगा और हैंडसम लड़के को हर लड़की चाहेगी, यही तो सृष्टि का नियम है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि दिल क्या चाहता है? यही तो राजू ने पूछा, सवाल यह है कि अभी प्रिया को दिल से चाहता है कि नहीं। चलो इसी से पूछ लेते हैं। यार तू बता, तू सचमुच प्रिया को चाहता है कि नहीं? यार बोलना, तू प्रिया को प्यार करता है क्या? हाँ। देखा, ये सचमुच प्रिया को चाहता है। यार तू सच बोल, प्रिया को चाहता है क्या? हाँ मैं प्रिया को बेहद चाहता हूँ, मगर मुझे नहीं पता वो मुझे चाहती है या नहीं। क्यों नहीं, वो भी तुझे बेहद चाहती है, आंखों से ही पता चलता है। यार तू एक काम कर, पहले एक रोमांटिक सॉन्ग सीख। क्यों? अरे गधे, फिल्मों में देखता नहीं? गाना गा, लड़की पटा। हाँ। गॉड, अब क्या होगा? कैसे जाऊंगी? क्या हुआ प्रिया? देखो ना, टायर पंचर हो गया। टायर तो पंचर हो गया, अब क्या करें यार? करना क्या है, प्रिया को मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तुम स्कूटर बनवा के घर पे ले आना। इसीलिए मैंने पहले बोला था। पहले क्या कहा था? वो क्या है कि जिंदगी में किसी का टायर पंचर होता है तो मुझे ही ठीक कराना पड़ता है ना। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। किस्मत? मेरा मतलब बदकिस्मती, बदकिस्मती। चलो प्रिया, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक्स मुझे नहीं, राजू को कहो जिसने टायर पंचर किया है। चलो यार काम बन गया, अब इस खटारे को कौन ढकेल कर पंचर बनवाएगा? यार उससे नहीं होगा। अच्छा मैं चलता हूँ। ओए रुक, कहाँ चला? एक फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकता है क्या? अभिषेक और प्रिया के प्यार के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ना। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये प्यार कर पाएंगे। वाओ, कितनी अच्छी जगह है ना? क्या बात है अभी? बड़े टेंस लग रहे हो। कुछ नहीं। तुम मुझे यहाँ कुछ कहने के लिए लाए हो ना? हाँ कहना तो चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। क्या बात है, जो कुछ भी कहना है खुल के कहो ना। प्रिया, मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ वो जरा सीरियस मैटर है। सीरियस? क्या बात है अभी, मुझे बताओ ना प्लीज। प्रिया, ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकती हो। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? वही जो मैंने स्टूडेंट्स के सामने कहा। क्या कहा? वो शी इज माई लवर। तो सारे स्टूडेंट्स के सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो फिर क्या कहना चाहिए था? अकेले में नजरों से नजर मिला के थोड़ा सा करीब आके कहना चाहिए था, आई लव यू। प्रिया और अभिषेक के लव को सक्सेस करने के लिए मेरा ही मास्टर ब्रेन यूज हुआ है। मास्टर ब्रेन यूज करने की कीमत
₹700। स्कूटी पंचर करवाने के लिए राजू को दिए ₹100 और फिर पंचर बनाने के लिए ले जाने और ढकेलने का रिस्क लेना सब मिलाकर ₹2000। आई लव यू कहना और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुल मिलाकर ₹5000। कैसा लगा मेरा लव बिल? ठाकुर रामनाथ की सरकार ये बिल हरगिज पास नहीं करेगी। चलो यार इसे हम इंस्टॉलमेंट में ही ले लेते हैं। ठीक है इंस्टॉलमेंट ही सही। फिलहाल कितना दोगे? कितना चाहिए? 1000। सॉरी। चलो 750। सॉरी अगेन। कम डाउन। ठीक है 500 ही दे दे बस। इतना भी नहीं, थोड़ा और नीचे। ए राजू ये क्या बोल रहा है? ठीक है ₹300 ही दे दे। थोड़ा सा और नीचे। बे साले कम से कम 4 बियर तो पिला दे। 4 बियर तो पिला दूंगा लेकिन टोटल मामला सेटल हो जाना चाहिए। टोटल सेटलमेंट? हाँ। यस अभिषेक। अभिषेक साई द बैड बॉय, तू बड़ा गुड बॉय बना फिरता है ना अभी, लेकिन इस कहानी में सिर्फ बैड बॉय की ही चलेगी। तेरी प्रियंका मेरी कैद में है, बात करना चाहेगा उसे? अभी ले बात कर। अभी अभी कहाँ हो तुम? मुझे बचा लो, मुझे इसके आगे नहीं। ताज्जुब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सोच, दिमाग लगा, सोच तेरी प्रिया यहाँ कैसे आई? कैसे आई यहाँ? सोचता रह, आके बचा सकता है तो बचा के दिखा। प्रिया को कुछ मत कर, तू जो कहेगा मैं वो करूंगा। बता बता तू कहाँ है, मैं अभी तेरे पास आता हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज प्रिया को कुछ मत कर। तेरी प्रियंका मेरे सामने हिरणी की तरह बंधी है और मैं इस बार कुत्ता नहीं शेर बोल रहा हूँ, और मैं अभी क्या क्या कर सकता हूँ तू इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। पहले मैं धीरे धीरे इसके नाजुक हुस्न के साथ खेलूंगा और फिर मेरे दोस्त मैं कहां हूं ये तुझे ठीक 1 घंटे के बाद पता चलेगा। मेरा काम पूरा होने के बाद मैं इसे तेरे हवाले कर दूंगा। अगर तू मर्द है तो आ बचा ले इसको, बचा ले है? बचा ले, बचा ले इसको। हेलो हेलो साई, जगह बताई है क्या उसने? जगह तो नहीं बताई लेकिन पास से एक सायरन की आवाज जरूर आ रही थी। मुझे लगता है वहां कोई ना कोई फैक्ट्री जरूर होनी चाहिए। अगर उसने प्रिया को तो डर मत, फैक्ट्री का सायरन सुनाई दिया ना तो इसका मतलब साई फैक्ट्री के आसपास है। यहाँ करीब में एक फैक्ट्री है, शायद वो वहीं होगा। चल वहां जाकर ढूंढते हैं। चलो चलो चलो, चलो। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं कि प्यार करूं, तू मेरी हो गई ये कैसे हो गया? हो गई ये कैसे हो गया? कैसे मैं पार करूं? Oh!
चलो। अभी अभी पढ़ाई कर रहा है, शादी के इतनी जल्दी क्या है, उसकी पढ़ाई तो पूरी हो जाने दीजिए आप। मुझे कोई जल्दी नहीं है, पर पंडित जी ने कहा। क्या कहा पंडित जी ने? सीता तुम अच्छी तरह से जानती हो हमारे पूर्वजों के दोष के बारे में। अभी की शादी अभी नहीं की तो फिर उसकी उम्र 42 पूरी होने तक इंतजार करना पड़ेगा। उसकी जन्म कुंडली के अनुसार इस साल उसकी शादी होकर बच्चे को जन्म देना होगा, तभी हमारे वंश का दोष दूर होगा। इसीलिए जल्दी से उसकी शादी करनी होगी। सीता हमें कुंडली के अनुसार काम करना होगा। डैड प्लीज आप अपना इरादा बदल दीजिए, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है। अभी मैं जानता हूं तुम्हारी उम्र शादी करने के लायक नहीं है, पर मजबूरी है। पहले तुम एक बार लड़की को तो देख लो। चले डैड, आप ये कुंडली उंडली का चक्कर छोड़कर कुछ प्रैक्टिकल बात सोचिए। वैसे भी जो तकदीर में लिखा होगा वही होगा। बेटा हम सिर्फ तकदीर जानने के लिए कुंडली नहीं देखते, हमारे धर्म के अनुसार जो कुंडली में लिखा है हमें वो मानना ही पड़ता है। लेकिन माँ, जब गाड़ी के ब्रेक ही फेल हो जाए तो ड्राइवर को बदलने से क्या फायदा? अच्छा, तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें सब कुछ बता दिया, शास्त्र से मृत्यु को भी दूर कर सकते हैं, तुम नहीं जानते। फिलहाल तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। कमला, कुंडली बड़ी अच्छी है, लड़का सुशील है, मेरे दोस्त का लड़का है, वो एक बार प्रिया को देख के पसंद कर ले तो उसकी शादी फौरन तय कर देते हैं। लेकिन लड़की की शादी इतनी जल्दी? मुझे तो थोड़ा टाइम लगेगा। लड़की की शादी जल्दी करना अच्छा है, ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं। कमला तुम प्रिया से बात करो। हाँ ठीक है, मैं उसे बात करती हूँ। प्रिया बेटी, डैडी तुम्हारी ही शादी की बात कर रहे हैं। मेरी शादी की? हाँ बेटी, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। डैडी मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी अपनी पढ़ाई खत्म करनी है। बेटा मुझे पता है शादी करने से पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आती। ओ कमला, मुझे देरी हो रही है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ठीक है। मम्मी ये सब क्या है, आप डैडी को समझा दो मुझे ये शादी नहीं करनी। तेरे डैडी मेरी कब सुनते हैं, वो जो दिल में ठान लेते हैं करके ही पीछे हटते हैं। मम्मी एटलीस्ट एक साल के लिए आपको ये शादी पोस्टपोन करनी ही होगी, प्लीज। तो फिर तू खुद क्यों नहीं बात कर लेती है? मैं और डैडी से बात करूँ? मुझे डर लगता है, आपको ही ये बात करनी होगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं, मैं उनसे बात नहीं कर सकती। मम्मी अभी एंगेज होना था। ओ गॉड, ये फोन एंगेज क्यों आ रहा है? मुझे कुछ करना होगा वरना। अभी डैडी मेरी शादी के पीछे पड़े हैं, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। यही तो मेरी भी प्रॉब्लम है, लेकिन मजबूरी यह है कि मैं अपने डैडी की बात टाल नहीं सकता। तो अब क्या करें? क्यों ना हम अपने प्यार के बारे में उन्हें सब कुछ खुल के बता दें? मुझे सोचने दो। What do you mean by सोचने दो? अगर मेरे डैडी राजी नहीं हुए तो क्या करोगे? मुझे मेरे डैडी पर जरा भी भरोसा नहीं है। मुझे भी अपने डैडी पे कहां भरोसा है। खैर तुम फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। प्रिया फोन बज रहा, उठा नहीं सकती। हेलो बहन जी, मैं आपका संदीप बोल रहा हूँ। जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ, आलोक कहाँ है? जी वो घर पर नहीं है। अच्छा, हमारी बहू तो ठीक है ना? जी हाँ ठीक है, वो पढ़ाई कर रही है। शादी तय कर ली तो अभी पढ़ाई की क्या जरूरत है? शादी तय कर दी तो पढ़ाई क्यों रोके, और फिर उसके एग्जाम भी तो नजदीक हैं। अच्छा तो ठीक है, ठीक से पढ़ने को कहना। ठीक है, आलोक के आते से उसे बता देना कि मैंने फोन किया था। जी भाई साहब बता दूंगी। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। प्रिया तुझे पता है किसका फोन था? तेरे होने वाले ससुर जी का। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती,
मुझे ये शादी नहीं करनी है और मुझे ये शादी पसंद भी नहीं है। ऐसा मत कहो बेटी, डैडी तो तुम्हारी खुशी के लिए कह रहे हैं, और फिर नसीब में जो लिखा होता है वही तो होता है। तकदीर, नसीब, इन सब बातों को लेकर मुझे परेशान मत करो। मैंने कहा ना, मुझे पढ़ना है, शादी नहीं करनी। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा इसको होता क्या जा रहा है। पूछ रहे थे कि लड़की देखने के लिए कब आ रहे हैं। आपने क्या कहा? मैंने कहा अगले हफ्ते आएंगे। अभी डैडी आपसे बात कर रहे हैं बेटा। तुम्हें जब फुर्सत होगी तब हम चलेंगे, ठीक है? मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा मुझे शादी नहीं करनी है, फिर आप लोग इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? हम जबान दे चुके हैं, ये शादी जरूर होगी। इसे जरा समझाओ सीता। अभी डैडी तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, डैडी की बात मान लो बेटा। खाते समय ये सब बात करना जरूरी है क्या? देखा ना खाना छोड़ के चला गया। जो बात जब कहनी होती है कहनी चाहिए। हम लड़की देखने जा रहे हैं। अभी तू तो जानता है ना तेरे डैडी कितने जिद्दी हैं। इस बार मेरी बात मान ले और शादी के लिए हाँ कह दे। इसका मतलब मेरी इच्छा की कोई कदर नहीं है? मां आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये मेरी जिंदगी का सवाल है। जिंदगी का सवाल? आज तक तूने जो जिंदगी में चाहा है वो हमने किया है, पर इस बार तो हमारी बात मान ले। डैडी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। मुझे पता है हम दोनों का एक ही हाल है। मैंने बहुत सोचा पर कोई हल नहीं निकला। घर वाले अपने इरादों पर अटल हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। क्या? प्रिया, जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वो खुदकशी के समान है। प्रिया, हमें बिछड़ना होगा। इस समस्या का यही एक हल है प्रिया। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं तुमसे बिछड़कर नहीं रह सकती, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। अभी क्या तुम मुझसे जुदा होकर रह सकते हो? क्या तुम मुझे भूल पाओगे? नहीं नहीं, अभी ऐसा नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं मर जाऊं। मैं मर जाऊं। प्रिया, हालात समझने की कोशिश करो। हमें अपने घर वालों के खिलाफ जाने से कोई फायदा नहीं, उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ेगा। मेरी बात मानो, जहां तुम्हारे घर वाले कहते हैं तुम उससे शादी कर दो। अच्छा, तो तुम सब कुछ तय करके आए हो, तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो। मैं तुमसे बिछड़ कर नहीं रह सकती। किसी और से शादी करना ये तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। प्रिया, मेरी बात सुनो। प्रिया, कहां कहां नहीं ढूंढा। खाना तैयार है, चल खाना खा ले। चल। प्रेमिका घर में बीमार पड़ी है, प्रेमी उसको ढूंढता फिर रहा है। लगता है इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हुआ है। मैंने पूछा था लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। इसमें बताने के लिए क्या रखा है? अभी और प्रिया की मोहब्बत को ग्रहण लग गया है। उनकी मोहब्बत का आधा हिस्सा
राहु निकल गया है, देख अभी आ रहा है। चलो उससे पूछते हैं कि उसके प्यार का कितना हिस्सा राहु ने निकल लिया। क्या हुआ अभी? यूं चुप रहने से हमें कैसे पता चलेगा आखिर हुआ क्या, बताओ भी। यार तुम दोनों के बीच क्या हुआ है? मुझसे एक गलती हो गई। गलती? कैसी गलती? मेरे डैडी मेरी शादी किसी और लड़की से करवाना चाहते हैं। प्रिया के घर वालों ने भी उसके लिए कोई लड़का देख रखा है, पर मैं अपने डैडी की बात टाल नहीं सकता, इसलिए मैंने कहा कि। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि अब हमें जुदा हो जाना चाहिए। ये तो सरासर धोखा है यार। नहीं तो क्या, तुमने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। ओह गॉड, बेचारी प्रिया का क्या हाल हो रहा होगा, कहीं उसने जहर वहर तो नहीं खा लिया। चलो एक बार और फोन करके देखते हैं, रिंग हो रही है। हेलो। हेलो प्रिया जी, मैं उसकी फ्रेंड चार्मी बोल रही हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए कॉलेज नहीं आई। अच्छा ठीक है। प्रिया की मम्मी कह रही थी कि प्रिया बहुत बीमार है, अब क्या करें? एक काम कर, तू और चार्मी जाकर प्रिया से मिलो, आगे क्या करना है हम प्लान करते हैं। तुम दोनों कभी अलग नहीं होगे, हम करवाएंगे तुम्हारी शादी। ठीक कहा, चाहे घर वाले कुछ भी कहें तुम दोनों की शादी होकर रहेगी। तो हम चलें? यार तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया है? आप? हम प्रिया के दोस्त हैं। ओ प्रिया बेटी तो अपने कमरे में आराम कर रही है। हम जाकर मिले? क्यों नहीं, आइए। थैंक यू। प्रिया बेटी ऊपर अपने कमरे में है, जाकर मिल लीजिए। जी जी। तू घबरा मत, क्या करना है हम प्लान कर चुके हैं। अभी तुमसे ऐसा कहने पर पछता रहा है, कह रहा था कि बिना सोचे ही वो ऐसा कह गया। हाँ प्रिया अभी तुझे दिल से चाहता है। कम इन। कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू। कम से कम डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए। हाँ चली जाऊंगी। तो फिर परसों शिवाजी चौक पहुंच जाना, हम वहां कार लेकर तेरा इंतजार करेंगे, ठीक सुबह 9 बजे। हम लोग तुम्हारा वहां इंतजार करेंगे। ओके ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। तू डरना मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम तो फिर हम चले। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम है यार, तू टेंशन मत ले, वो आ जाएगी। हाँ वो आ जाएगी। हाँ रुको रुको रुको, लगा दी तुमने। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, चलो चलो जल्दी करो। अभी कहाँ है वो? नहीं आया वो, तो काली माँ के मंदिर में है। चलो जल्दी करो। चलो हाँ चलो। शिवे सर्वात् साधके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते।
माँ जी, प्रिया बेटी अपने दोस्तों के साथ कार में चली गई। क्या? हाँ माँ जी। मुहूर्त निकला जा रहा है, कन्या को तुरंत बुलाइए। अरे लड़की आ गई पंडित जी, शुरू करिए, टाइम नहीं है, जल्दी करिए ना। करो मंगल मांगले शिवे सर्वात साधके चरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। रामनाथ, मैं विश्वनाथ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो विश्वनाथ, क्या हाल है? हाल तो ठीक है, मगर मगर क्या है? तेरे बेटे को मैंने काली माँ के मंदिर में देखा। वो वहाँ क्या कर रहा है? शादी। शादी? क्यों मजाक कर रहा है? अरे मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ, तेरा बेटा सुखमू शादी कर रहा है। क्या? सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वात साधके चरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। आप इसकी मांग रही। मंगल मांगले शिवे सर्वात साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। कमला जल्दी आओ। चलिए 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 आओ आओ तब आओ। हम इन दोनों की ही शादी करवाना चाहते थे, मगर इन लोगों ने खुद ही शादी कर ली। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बेटी, हम तुम्हारी शादी अभिषेक के साथ ही करना चाहते थे। मिथुन शुभ योग है, परंतु कुछ बाधाएं दिखाई दे रही हैं। बाधा? कैसी बाधा पंडित जी? डरने की बात नहीं है, छोटी मोटी समस्या है। समस्या का कोई तो हल होगा पंडित जी? हल जरूर है, पूर्वजों को शांत करना होगा। इसका उपाय मैं लिख कर देता हूँ। जी पंडित जी। और सुहागरात? अभी नहीं, पहले समस्या हल हो जाए, मुहूर्त मैं लिख कर देता हूँ। क्या बात है, सभी लोग बहुत हंस रहे हैं। शिव ने कोई जोक सुनाया है क्या? शिव के जोक पर नहीं, तेरे जोक पर हंस रहे हैं। मेरा जोक? कैसा जोक? भाई तेरा नाम, तेरी मैरिज सब एक जोक सा बन गया है, कहीं तेरी फर्स्ट नाइट भी जोक ना बन जाए। हाँ यार, मैंने कहीं पर सेक्स स्पेशलिस्ट का बोर्ड देखा था। अरे नहीं नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं है। अच्छा मैं समझ गया, तुझे नीली फिल्म चाहिए ना। अरे नहीं नहीं, वो भी नहीं यार। तो फिर तुम ही बताओ आखिर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है यार पंचांग की। मतलब पांच अंगों का? बाप रे बाप, फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तुम लोग मेरी बात सुनोगे या मैं जाऊं? बोलो ना, सस्पेंस बढ़ रहा है। हमारी फैमिली के ज्योतिषी ने कहा है कि हमारी सुहागरात कुछ दिन तक नहीं हो सकती। क्यों, तुम्हारे ज्योतिषी को ये शादी पसंद नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है यार, दरअसल मुहूर्त ही ठीक नहीं था। तेरे की साले, ये शादी का मुहूर्त सुना है पर ये फर्स्ट टाइम का कैसा मुहूर्त? अब मुझे क्या मालूम,
इसका मतलब शादी होने के बाद भी तू बेकार है। अब क्या होगा, अपनी प्रिया का बेचारी बेचैन हो रही होगी। मैं भी सबर नहीं कर सकता यार, इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया है। कैसा प्लान? कहीं दूर जाके हनीमून मनाने का। वाव, मगर तुम्हारे घर वाले जाने देंगे क्या? क्यों नहीं, मंदिर का बहाना जो है। तू तो बड़ा चालाक निकला। खैर कहीं भी रहो मुझे फोन करते रहना, स्पेशली एट नाइट। रात को क्यों? अगर कोई एडवाइस या टिप्स चाहिए तो। ठीक है, सारे टिप्स इकट्ठा करके रखना। चलो चले। प्रिया को हमारी तरफ से हाय कहना। हाँ ठीक है, कह दूंगा। चलो चलो। खुशबू खुशबू में जादू, जादू में कोई नशा है। ऐसे में तुझको बाहों में ले लूं, तेरे बदन तेरी सुल्फों से खेलूं, ये दिल चाहता है, ये दिल चाहता है। मेरा जिस्म जल रहा है, मेरी नीयत बदल रही है, दिल भी बदल रहा है। तेरी बहकी बहकी बातें मैं बेहोश कर रही हूँ, मेरी धड़कनों में कोई नया जोश भर रही है। ये क्या हो रहा है, ये दिल चाहता यहाँ एक साथ चल रहे हैं, दोनों ही एक मिलन की चाहत में जल रहे हैं। तेरा कसूर ही ना, ये मेरी भी खता है, मौसम ही जाने जाना कोई इस तरह का है। नशा ही नशा ये दिल चाहता है। हवाओं में खुशबू खुशबू में जादू, जादू में कोई नशा है। ऐसे में तुझको बाहों में ले लूं, तेरे बदन तेरी जुल्फों से खेलूं, ये दिल चाहता है, ये दिल चाहता है। साड़ी को क्या हो गया, साड़ी नहीं हो रही। अब क्या होगा? घबराओ मत। My God. कोई रास्ता निकालते हैं। अभी अब कितनी अजीब सी जगह है, मुझे बहुत डर लग रहा है अभी। क्या कुछ बड़ी खराबी होगी, चलो आसपास कुछ देखते हैं। आसपास
तुम लोग? हम बहुत दूर से आए हैं। यहाँ से गुजरते वक्त अचानक गाड़ी खराब हो गई, रात गुजारनी है। ये हवेली किसी के रहने के लायक नहीं है, तुम लोग यहाँ से फौरन चले जाओ। बाबा जी आप प्लीज ऐसा मत कहिए, इतनी रात को और इस घने जंगल में हम कहाँ जाएंगे? वो सब मैं नहीं जानता, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। बाबा जी प्लीज ऐसा मत कहिए, इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? बाबा जी हमें सिर्फ आज की रात यहाँ गुजार दीजिए, सूरज निकलते ही हम कल यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज बाबा जी इनकार मत कीजिए। जो तुम्हारी मर्जी, चलो। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। तुम लोग इस कमरे में रह सकते हो, मैं फिर से कह रहा हूँ ये जगह ठीक नहीं है, सावधानी से रहना। और हाँ, तुम लोगों ने कुछ खाया क्या? जी नहीं, आपने रहने के लिए रूम दे दिया यही बहुत है। ठीक है ठीक है, तुम लोग आराम करो, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। कोई भी नहीं है। वो वहाँ पे थी, वो मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वो वहाँ पे थी, अभी मैंने उसे देखा है। वो तुम्हारा बहन होगा, वहाँ तो कोई भी नहीं है, देखो वहाँ साड़ी है, वहाँ टॉवल टंगा हुआ है, कोई भी तो नहीं है। मेरा विश्वास करो, वो अभी वहाँ पे थी। एक काम करो, तुम जाकर नहा लो, मैं यहाँ दरवाजे पे खड़ा हूँ, जाओ जाओ नहा लो। खाना तैयार है, आके खा लो। चलो हम थोड़ी देर में आके खाना खाते। ठीक है, तो ढक के रख देता हूँ, आके खा लेना। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो ना चल के खाना खा लेते हैं, बाबा जी को क्यों परेशान करें। चलो 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 ना। मुझे बहुत भूख लगी है। सुनो, इसमें रोटी है, उसमें सब्जी है, वहाँ पे चावल है, एकदम आराम से खा लेना। थैंक यू। चावल? चलो। चम्मच? चम्मच तो है नहीं, हाथ से खाते हैं। हाथ से? अच्छा है ना? क्या हुआ? कीड़े। कहाँ है कीड़े? अरे ये तो प्लेट में कीड़े ही तो है। प्रिया ये तो खाना है, कीड़े कहाँ है? ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। नहीं, मुझे तो सब कीड़े ही दिख रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ है प्रिया? वहाँ बाथरूम में औरत और यहाँ कीड़े? अभी मैं सच कह रही हूँ, प्लेट में सब कीड़े ही दिखे थे। कुछ नहीं, देखो मैं खा रहा हूँ, कुछ हुआ तुम ही खाओ। नहीं।
प्लीज। है कीड़े? खुद डरती हो और मुझे भी डराती हो। सुनकर आया था। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बुलाना। अपने कमरे से बाहर मत निकलना। जाओ जाके सो जाओ। ठीक है। अभी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम गाड़ी ठीक करवा के आज ही वापस चले जाते हैं। मैं हूं ना, डर किस बात का? ये जगह एकदम पीसफुल है। यहां हमें डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं है। हनीमून के लिए इससे बेहतर जगह और कहां मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? अभी मुझे यहाँ घुटन सी महसूस हो रही है। चलेंगे, लेकिन दो दिन के बाद। इतनी सुटेबल जगह है यहाँ और इस हवेली में। नहीं नहीं, अभी प्लीज कहीं और चलते हैं ना, प्लीज अभी। प्रिया तुम बेवजह डर रही, मेरी बात मानो। इससे सुटेबल जगह और कोई हो ही नहीं सकती। और जो भी इंतजाम करना होगा हमारी फर्स्ट नाइट का, मैं कर लूंगा। मगर अभी मगर कुछ नहीं।
आओगे प्रिया। प्रिया तुम्हें हो क्या गया है? तस्वीर तेरे दादा ठाकुर वीरेंद्र सिंह राणा का है। ये तो महाराजा लग रहे हैं। हाँ ये महाराजा ही तो थे। तो फिर हम भी राजवंशी हैं। इनकी कहानी बताओ ना दादी माँ। कहानी बताए, स्कूल नहीं जाना है, देर हो रही है, चल। अच्छा बाबा जी, ओके बाबा चलते जी, हैं। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू बाबा जी। जीते रहो। सफर कैसा रहा बेटी? अच्छा हुआ। तूने फोन क्यों नहीं किया? पिताजी वहाँ पर नेटवर्क नहीं था तो फोन कैसे करते? दर्शन तो अच्छा हुआ ना? हाँ अच्छा हुआ। दादी माँ मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले हम लोग फ्रेश होकर। अच्छा चलिए अंदर चलो। तुझे मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा, तो यहाँ क्या कर रहा है? दादी माँ मैं एक पुरानी तस्वीर ढूंढ रहा हूँ। कौन सी तस्वीर? वही तस्वीर जो आपने मुझे बचपन में दिखाई थी। हाँ वो तस्वीर, वो इस पेटी में होगी। हाँ यही। तुझे ये तस्वीर अभी भी याद है? दादी भूल गया था मगर याद करना पड़ा। दादी माँ मैं उस हवेली में गया था। हे भगवान, तू उस हवेली में गया था मगर क्यों? गया नहीं था, जाना पड़ा। नहीं जाना चाहिए था, हमारे वंश के लोगों को वहां जाना मना है। आखिर क्यों दादी माँ, ऐसी क्या वजह? मुझे भी उसकी वजह बताओ। वो जान के तू क्या करेगा, जो हुआ सो हुआ, आगे से वहां मत जाना और इस तस्वीर को भी जला दे। दादी माँ ऐसी क्या वजह है, मुझे भी वो कहानी बताओ ना प्लीज। कुछ साल पहले। माँ आपने दवाई ले ली? नहीं नहीं लिया। तू चल खाना खा ले। डैड मैं ये कहानी सुनकर आता हूं, बाद में कभी सुन लेना, अभी चलो चलो। Thank you.
अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सालों से बंद पड़ी ना हवेली, इसलिए तुझे ऐसा लगा होगा। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब अपनी आंखों से उस सफेद साड़ी वाली औरत को देखा तो मुझे भी यकीन हो गया। फिर तूने उससे बात क्यों नहीं की? प्रिया को भी अच्छी कंपनी मिल जाती। तो फिर तू भी मेरे साथ चल, उससे मिलवाता हूँ। वैसे भी मैं फिर से वहां जा रहा हूँ। फिर से जा रहा है? तो फिर मैं भी आऊंगा। शिव तू भी मेरे साथ चलना। मैं नहीं, तू जाके फोन करते रहना बस। डरती हूँ मौसी, अगर जाना ही है तो हम सब मिलकर चलते हैं ना। डर? डर किस बात का है? उस सफेद साड़ी वाली को देखने के लिए मैं बेकरार हूँ। तो फिर सब तैयार है ना? तैयार है। वहाँ जाकर तुम क्या पता करना चाहते हो? उस हवेली में फिर से जाना अच्छा नहीं है। प्रिया उस हवेली में ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है। और वैसे भी मैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ, तुम बस मम्मी डैडी का ख्याल रखो। नहीं अभी, तुम दोबारा उस हवेली में मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। प्रिया वो हमारी खानदानी हवेली है और उसे दोस्तों को दिखाने से हमारी शान बढ़ेगी। मुझे पता है, मगर मगर वगर कुछ नहीं। मैं यूं गया और यूं वापस आया, सिर्फ एक दिन की बात, और वैसे ही मेरे दोस्त मेरे साथ जा रहे हैं। पापा से क्या कहूं? जो मन में आए बोल देना। हाय कमन, हाय, चलो जल्दी चलो, चलो हाय, चलो हाँ बैठो, जल्दी बैठो बैठो। कमन ड्राइव मैन, ये यार कैसा है? उस लेडी भूत के लिए यही काफी है ना? हाँ हाँ काफी है, लेकिन मैंने वहाँ सिर्फ लेडी भूत देखा था। हाँ ना जाने कितने भूत। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते बाबा जी, यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा जी ये सब मेरे दोस्त हैं और हम लोग यहाँ एक दो दिन रहना चाहते हैं। नहीं बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अब ये हवेली रहने के लायक नहीं है। बाबा जी हमें सिर्फ एक रूम चाहिए। नहीं, तुम लोग कहीं और चले जाओ। हम एडजस्ट कर लेंगे बाबा जी, दो दिन के लिए। बुलाना नहीं। बाबा जी एक मिनट। चलो बाबा जी मान गए। हाँ अंदर आ जाओ। कैसे पहुंचा? मुझे नहीं पता यहाँ कैसे आया। पता नहीं तो यहाँ कैसे पहुंच गया? बहुत हो चुकी है,
चलो जाके सो जाओ। चलो चलो मैं सच कह रहा हूँ यार, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। बहुत ही सुंदर थी, उसकी आवाज बहुत मधुर थी, उसका नाचना तो बहुत रोमांचक था। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुँचा मुझे कुछ याद नहीं रहा। ऐसी लड़की को मैंने कभी नहीं देखा। अरे काय को झूठ बोलता है, तुझे कोई आदिवासी लड़की मिल गई होगी इसलिए बिना बोले चला गया। नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, उसे देखते ही मैं सचमुच खो गया। मैं ये मानता हूँ, मैंने सुना है कि भूत इंसान को हिप्नोटाइज करता है, शायद उसने भी इसे हिप्नोटाइज किया होगा। कुछ भी हो, आज रात को मैं इस भूत का राज जानकर ही रहूंगा। देख तू ऐसा मत कह, हम लोग साथ आए थे, साथ ही जाएंगे। ठीक कहा तुमने, हम ऐसे ही वापस जाने के लिए नहीं आए, हकीकत जान के ही वापस जाएंगे। अरे चलो यार नहाते हैं। हाँ चल। मुझे नहीं नहाना, तू चलना। तुम लोग? नहीं यार मैं नहीं आ रहा। चलो हम चलते हैं। हाँ चलना यार, चलो हम चलें। जाने की बात कर रहा था, शायद चला गया होगा। लेकिन उसका लगेज तो यही है, और बिना बताए इतनी रात को कहाँ जाएगा? हाँ यार, इस जंगल में इतनी रात को गाड़ी कहाँ मिलेगी? कोई गाड़ी मिल गई होगी इसलिए बिना बोले चला गया। हमारा शिव दिखाई नहीं दे रहा, आपने उसे कहीं देखा है क्या? नहीं। शिव शायद घर पे गया होगा और वो वहाँ पहुँचने के बाद फोन करेगा। लेकिन यहाँ तो सिग्नल भी नहीं है। जो भी हो, शिव ने अच्छा नहीं किया। Ha ha ha!
राजू 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 अब ढूंढने से कोई फायदा नहीं। पता नहीं राजू कहां चला गया। अच्छी तरह ढूंढा ना चार्मी। चार्मी क्या हुआ चार्मी? तो क्या हुआ चार्मी? ये तो बेहोश हो गई। संभाल के। बाबा बाबा जी जी इस हवेली का राज क्या है आप जरूर जानते होंगे। बताइए हमें। कुछ नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम उस राज को अच्छी तरह से जानते हो। बताओ हमें क्या बात है इतने गुस्से में क्यों हो? मेरे दो साथी गायब हो गए हैं। वो कहाँ हैं? सच बताओ इस हवेली में हो क्या रहा है? जानना चाहते हो? बरसों से मेरे दिल में दबी हुई वो हकीकत सुनो। ठाकुर वीरेंद्र सिंह राणा के जन्मदिन की खुशियां मनाने के लिए इस हवेली में एक नर्तकी वैशाली आई थी। वो बहुत खूबसूरत थी जैसे कि जन्नत की कोई हूर हो। मन ने दर पे बुलायो दर पे बुलायो।
तुम्हारे नृत्य के साथ साथ हमें तुम्हारी सुंदरता भी बहुत पसंद आ गई है। तुम जरा बाहर जाओ, हमें वैशाली से अकेले में बात करनी है। ठीक है ठाकुर साहब। तुम बहुत सुंदर हो, हमारे दिल की मल्लिका बन चुकी हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें देंगे। ठाकुर साहब, आपकी हवेली में जो मुझे मान सम्मान मिला वही मेरे लिए काफी है। वो मान सम्मान तो हम हर नर्तकी को देते हैं। वैशाली, तुम्हें क्या चाहिए, दिल खोल कर मांगो, हम तुम्हें दे देंगे। जी नहीं, ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आपकी हवेली में नृत्य करने का मौका मिला। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है ठाकुर साहब। लेकिन हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं और तुम इनकार नहीं करोगी। तुम्हारी अदाओं ने हमारे दिलों दिमाग को पागल कर दिया। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, मैं नर्तकी हूँ पर वेश्या नहीं। वो हम जानते हैं, तुम हमारे यहाँ दो दिन मेहमान बनकर रहो, इस हवेली की शानो शौकत बढ़ाओ, फिर मुंह मांगी कीमत लेकर चले जाना। मुझे जाने दीजिए ठाकुर साहब, दया करके मुझ पर रहम खाइए। रहम खाएंगे वैशाली, हम जरूर रहम खाएंगे। नहीं, मुझे बर्बाद मत कीजिए। नहीं, हमारी सारी नजरों ने जब से तुम्हें देखा है तब से तुम और भी आकर्षक हो गई। नहीं नहीं ठाकुर साहब, मत करो। रहम करो ठाकुर साहब, छोड़ दो मुझे, मत करिए ऐसा। कुमार, कुमार, बचाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, बचाओ। ठाकुर साहब, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। नहीं, छोड़ दो कुमार को, मत मारो उसे, मत मारो उसे। नहीं छोड़ दो मुझे, नहीं नहीं छोड़ दो, नहीं नहीं छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आज वैशाली सिर्फ एक आत्मा ही नहीं बल्कि बदले की आग में जलती हुई एक प्रेत आत्मा। उसकी प्यास सिर्फ खून से ही बुझेगी। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था, यह हवेली अब किसी के रहने के लायक नहीं रही। यहां जो भी आता है गायब हो जाता है। मेरी बात सुनो, तुम लोग यहां से फौरन चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है।
कौन हो तुम? तुमने मुझे नहीं पहचाना? ठाकुर वीरेंद्र के वंश के छोटे ठाकुर, तुमने मुझे नहीं पहचाना? तुम्हारी गाड़ी का खराब होना, तुम्हारा यहाँ आना, तुम्हारे दोस्तों का यहाँ आना, ये सब मेरी ही चाल थी। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें काफी बरसों से मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। बेगुनाहों को मारने से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, और हमने से तुम्हारा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। तेरा पूरा वंश ही मेरा दुश्मन है, और अपने दुश्मनों को मारने से मुझे मुक्ति मिलेगी, मेरी भटकती आत्मा को शांति मिलेगी। अभिषेक अब उस प्रेतात्मा के जंगल में बुरी तरह फंस गया है, उसे वहां से बचा कर लाना मुश्किल है। अब क्या करें पंडित जी? एक ही रास्ता है, उस प्रेत आत्मा को शांत करना। आज और कल वो आत्मा अभिषेक को कुछ नहीं करेगी। परसों अमावस की रात है, तब वो अभिषेक पर वार करेगी, और उसके बाद आत्मा को वश में करना बहुत मुश्किल है। तो फिर हमें फौरन वहां पहुंचना होगा, और किसी भी हाल में मेरे बेटे को बचाना होगा। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए जी। तो जल्दी चलते हैं पंडित जी। चलते हैं, लेकिन प्रियंका तुम्हें कुछ तांत्रिक क्रियाओं में मेरा साथ देना होगा। मेरे अभी को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ पंडित जी, आप जल्दी चलिए। तो फिर उस प्रेत आत्मा से छुटकारा पाने के लिए पहले उसे तुम्हारे शरीर पर आवाहन करना होगा। मगर प्रिया की जान को कुछ खतरा तो है, हमें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। मैं अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करूंगा, बाकी सब ऊपर वाले की कृपा है। ओम नमो क्लीम ताम हुम फट फट स्वाहा, कहा कहा बाबा बाबा, बंधा बंधा, प्रचरा प्रचरा, अहम इदम अहम, अहम इदम अहम इहम अहम, त्रिकाला भयंकरी शत शतांग वर्षिणी, तेजस्य वेजा यशस्वेजा, अनम्रम अनम्र सौंदर्य काली, सर्वग्रहोच्छान अघोर अघोर रूपिणी, विहारी नाली गधूली, कृत्रिम समरिणी कराल काली बराली, आदित्य नाद चूली कल करताली, भूत भेताला भयंकर काली, पाहिमाम भद्र काली। ओम ह्रीं ह्रीं फट फट स्वाहा, शवोपरी समासिनां, रक्तांबर परिच्छदां, अत्तालंकार परिच्छदां, अममा वहवहा, प्रेतात्मा आवाहयामि, फट स्वाहा। मार डालूंगी, मार डालूंगी, कोई नहीं बचेगा, मार डालूंगी। हे शाकिनी अनंत रूपिणी आदि परम ज्योति,
प्राणी ग्रह ग्रह का बंधना गम गम रक्त काटेरी गम उग्र काटेरी इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इस खील को अपने माथे से वृक्ष पर मार तो जिसे मारना चाहती है वो इसी वृक्ष में है तो उसे मारना चाहती है ना प्रवेश करो प्रवेश करो प्रवेश करो प्रवेश करूंगी प्रवेश करो अवश्य प्रवेश करूंगी प्रवेश करो लेकिन सिर्फ 12 साल के लिए प्रवेश करो अगर उसके बाद तुमने इन दोनों को प्रवेश करो मेरे हवाले नहीं किया प्रवेश करो तो मैं तुझे मार डालूंगी मंजूर है हमें मंजूर है मंजूर है मंजूर है हाँ काली प्रवेश करो प्रवेश करो प्रवेश करो कोई भी इस हवेली में रह सकता है वैशाली की आत्मा सदा सदा काबू में रहे सर्वेश्वरी सर्वेश्वरी